हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल फॉक्स और डिज्नी की नई अपकमिंग मूवी एक्स मेन द न्यू म्यूटेंट्स के बारे में। सभी जानते हैं कि ये मूवी पहली हॉरर मूवी थी मार्वल फॉक्स और डिज्नी की। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसका पहला ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, बट अब कुछ चेंजेस है। इस मूवी में काफी सारी प्रॉब्लम आई थी इसकी स्टोरी को लेकर, इसके VFX को लेकर, और ये हॉरर मूवी थी तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि एक सुपर हीरो मूवी को हॉरर टाइप में बनाना। तो ये फैंस के लिए काफी नया चैलेंज था इस टाइप की मूवी को देखना, क्योंकि हर फैन चाहता है कि जो भी सुपर हीरो मूवी हो वो काफी ज्यादा कॉमेडी और एक्शन और साइंस फिक्शन से भरी हो, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर। तो ये मूवी कुछ ज्यादा डिफरेंट थी। तो इस मूवी की स्टोरी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि इसे दोबारा से रीशूट करना पड़ा, और रीशूट के कारण इसके शेड्यूल को चेंज करना गया। जी हाँ, और अब ये मूवी रिलीज हो रही है 2020 को। तो उसका फाइनली नया ट्रेलर की घोषणा हो चुकी, जो कि डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है, और ये ट्रेलर लॉन्च होगा इस मंथ 6 तारीख को शाम को 7:30 बजे। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, शाम को 7:30 बजे आपको ये ट्रेलर देखने को मिलेगा 6 तारीख को। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और पहला जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसको भूल जाइए, इस बार जो ट्रेलर लॉन्च होगा उसमें हमें नए सीन देखने को मिलेंगे और स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा। हो सके तो मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन भी करूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं कोई वीडियो पसंद आता तो भी लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या दोस्त पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।